दोस्तों, अगर आपके भी जवारे हो गए हैं ऐसे, तो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जवारे में ऐसी मिट्टी कभी मत डालना, जौ सूख जाते हैं, हो जाओगे कंगाल। आज मैं आप लोगों को ज्वारे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जौ हो गए हैं हरे तो क्या संकेत मिलता है? नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या ज्वारे को विसर्जित कर देना चाहिए या ज्वारे को कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए? ज्वारे में छिपा है आपके भाग्य उदय होने का राज। आखिर ज्वारे में क्या डालना चाहिए और ज्वारा क्यों सूख जाता है? क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है? नवरात्रों में ज्वारे क्यों उगाते हैं, जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, धन यश वैभव कीर्ति उत्तम फल तथा करोड़पति बनने का सपना बंद किस्मत के ताले को खोलने का, नवरात्रि में ज्वारे के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर नवरात्रि संबंधी कोई आप जो है हमसे सजेशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप कमेंट बॉक्स में पूछें। हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपकी मदद की जाएगी। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर छोड़ दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा जौ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही यह भी जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल भी होता है, इसलिए लोग ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने अपने घर में ज्वारे बो करके नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी ना किसी माध्यम से ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ ना कुछ ज्वारे आपको प्राप्त हो जाएंगे, इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। और हां, अगर आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जो भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखता है तो माता रानी का उसको प्यार मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो, तो इसका मतलब यह होता है कि आप वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जो नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है, तो इसका मतलब यह है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे, इसीलिए अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही जौ सफेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जौ अगर सूखी और पीली होकर के झरने लगे तो इसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप जो है मां दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार हवन करके आहुति दे सकते हैं, इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है, इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है, और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। वैसे तो अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कई लोग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डाल दें। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि,
जिस घर में यदि जवारे नहीं बोए जाते तो वहां पर परेशानी अपनी जगह बना लेती है। भूत प्रेत का वास हो जाता है, डेरा भूतों का आ जाता है, गरीबी का वास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता दुर्गा उस घर में वास करती है और वही सेवा स्वीकार करती है और उसी का व्रत पूर्ण करती है जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं। यदि जवारे हरे भरे हैं तो घर में खुशियों का आगमन आवश्यक होता है। हरे भरे जवारे के साथ मां अपनी सखियों के साथ नृत्य करती है, खेलती है, घर में ढेरों खुशियां बरसती है, माता का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। कहते हैं जवारे नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि नवरात्रों में यदि जिस घर में जवारे नहीं होते, जवारे नहीं बोए जाते, तो इतना संभलो आपके घर में प्रेत आत्माओं ने डेरा बना रखा है। घर से यदि भूत प्रेत को भगाना है तो जवारे नवरात्रों में अवश्य बोए। माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, खुश होती है मां। जो जो होते हैं आप इसे नौवें दिन कन्या पूजन में कन्याओं को भोग स्वरूप उनको वितरित करें। आप चाहें तो देवताओं को जौ का भोग लगा सकते हैं। कन्या की थाली में इसका एक एक टुकड़ा रखें। माता नवदुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रि में ज्वारे का भोग देवताओं को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो ज्वारे होते हैं ये बहुत ही पवित्र चीज है, इसे आप साधारण मत समझना। वैसे मैया रानी करुणामयी है, वह अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती है। ज्वारे को साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में ज्वारे का क्या करें, क्या विसर्जन कर दें या इसे घर में रहने दें। तो धार्मिक मान्यता कहती है कि ज्वारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में विसर्जित इसे कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की है, बहुत अच्छी बात है। 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और ज्वारे को श्री शक्ति। श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए श्री शक्ति को हम जब जल शक्ति गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर के मिल जाती है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार जो हमारा शरीर होता है ये पंच तत्वों में मिल जाता है, उसी प्रकार ज्वारा भी पूर्ण प्रकार शक्ति के साथ अपने अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप में शक्ति में मिल जाता है। तो दोस्तों, ज्वारा 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, ध्यान से सुनना, ज्वारे के आसपास में 9 दिन अखंड ज्योति जलने के कारण, मां दुर्गा के समीप में ये रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे ज्वारे लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी, इन सब को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ज्वारे से किस प्रकार हम अपनी फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और सभी प्रकार की आपकी जो दबी हुई इच्छा है आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप गरीब रह जाएंगे, क्योंकि ज्वारे से आप अपनी गरीबी को, अपने कष्ट को, अपनी परेशानी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, या आपके घर परिवार में किसी को दुख है, तकलीफ है, लंबे समय से बीमार हैं, आप उन्हें स्वस्थ करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हमें जो है ज्वारे का क्या करना चाहिए। तो ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ ज्वारे साफ पानी से धो करके हमें अपने साथ में ले आना चाहिए। क्यों इसे लाना चाहिए? क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारे को हमेशा धन स्थान है, व्यापार स्थान है या फिर कारोबार स्थान है, यहां पे जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही, कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान में, धन स्थान में जरूर रखिए। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करें उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भी माना जाता है ज्वारे को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेटकर, ऊपर से मौली धागा बांध करके अगर इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण ये जागृत हो जाते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी, ये पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमारे ही बहुत से लोग हैं,
संपर्क में जुड़े हुए तो बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा में अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए, और आप में से अधिकतर लोग ज्वारे को अपने पर्स में जरूर रखते होंगे। अब इसके पीछे का कारण मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिस प्रकार इसे धन स्थान में रखने से यह धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार यह पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और यह पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भरे रखने का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 ज्वारे के साफ एवं स्वच्छ पत्तियों को देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती दिव्य जो किताब है, माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे कि देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती है, यह सब दिव्य किताब कही गई है, तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसमें आपको दबाना होता है, तो मां भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब भी आप ये उपाय करेंगे, आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। ही देखिए, जो ज्वारे है बहुत ही पवित्र चीज है, कभी भी इसके बारे में आप लोगों को किसी को नहीं बताना चाहिए। और एक बार, बहुत से लोग आप में से ऐसे दर्शक हैं जो बोलते हैं, ना गुरुजी, हमें ताबीज बनाना सीखना है तो क्या करें, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपके शरीर में माता रानी का वास बना रहे, आपका शरीर जो है सुरक्षा कवच से ढका रहे, तो ज्वारे के 4 से 5 पत्ते आपको लेने हैं। चांदी का ताबीज या तांबे के ताबीज में इसे डाल देना है, और धूप बत्ती का आपने 9 दिन तक माता रानी के लिए जो धूप बत्ती जला करके रखी है, जो भस्म जला करके रखी है गोबर के कंडे की, वो भस्म लेना है। माता रानी को जो आपने अचर चढ़ा करके रखे हैं, जिसे हम पीला चावल बोलते हैं, वो आपको लेने हैं, और इसे आपको ताबीज में डाल देना है। ये तीनों सामग्री को आपको ताबीज में डाल देना है। माता रानी का ध्यान करना है, अगर बत्ती या फिर धूप का धुआं दिखाना है, आपने जो ताबीज बना करके रखा है उसमें, और आप जो है इसे नवरात्रि के बाद किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, तो यह आपको हमेशा सुरक्षा कवच की तरह ही आपको फायदा पहुंचाएगा। किसी भी प्रकार की आपकी यह दुर्घटना नहीं होने देगा। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में यह मित्र की भांति आपकी मदद करेगा, आपको तरक्की दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। आप में से अगर किसी के घर में कोई लंबे समय से बीमार पड़ा है, जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरी दवा सही चल रही है, कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण जो है स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, शरीर में निरंतर बीमारी आने लगती है, तो ज्वारा का एक जबरदस्त गुप्त चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग अपने तक सीमित मत रखना, इसे और लोगों को जरूर बताना। इससे समाज में कल्याण होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार पड़ा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को ज्वारे की कुछ बूंद ध्यान से सुनना। ज्वारे को अच्छी तरीके से पीस करके कुछ बूंद आपको निकालना है, और इस रस को नाक के माध्यम से, अगर बोलने में समर्थवान नहीं है, खाट पर पड़े हैं दोस्तों, सांस बस चल रही है, तो अगर नाक में कुछ बूंद डाला जाए, तो ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अर्थात स्वस्थ का मतलब ऐसा है कि बोलने फिरने में जो समर्थवान है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं बीमारी से, तो ऐसे व्यक्ति को जो है, आप ये 1 या 2 चम्मच की मात्रा में ज्वारे के निकले हुए रस को आपको 2 टाइम सुबह और शाम में मां भगवती का ध्यान करते हुए, मां काली का ध्यान करते हुए, मां आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपको पिला देना है। बिल्कुल ही ज्वारे में पूर्ण रूप से ब्रह्म एवं मां आदिशक्ति की शक्तियां समाहित होती हैं। इसे पिलाने के बाद आप देखना, इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक पिला देना। दोस्तों, खाट पर पड़ा इंसान भी स्वस्थ हो जाएगा और चलने फिरने के लायक बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हम जितनी भी सामग्री अपने घर में नवरात्रि के समय रखते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, चाहे आप ज्वारे ले लीजिए, चाहे जोत की बाती ले लीजिए, चाहे भस्म ले लीजिए, चाहे आप जौ ले लीजिए, ये सब किसी ना किसी काम जरूर आते हैं। दोस्तों, हम सब इसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। नदी में विसर्जित करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नदी में इसे बेशक विसर्जित करें, लेकिन इसकी कुछ मात्रा हमें अपने पास में बचा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद होता है। और निकट भविष्य में जब हमें कोई परेशानी आती है, किसी को भूत बाधा लग गई है, तो ज्वारे की कुछ बूंद, इसका रस निकाल करके नाक में 1 से 2 बूंद टपका देने से भूत तत्काल छोड़ देता है। दोस्तों, नकारात्मक शक्ति भाग जाती है, तो इन सारी चीजों को हमें कुछ ना कुछ मात्रा में बचा करके जरूर रखना चाहिए। आगे चल करके यही हमारे लिए माता का वरदान साबित होता है, ये देवी का ही आशीर्वाद होता है। इसीलिए कभी भी इसे पूर्ण रूप से विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसका कुछ अंश हमें, जैसे कि के साल में नवरात्रि आते हैं,
शारदीय नवरात्रि एक साल में ही आते हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि दो गुप्त नवरात्रि होते हैं। चार नवरात्रि होते हैं, तो नवरात्रि आने तक इसे हमें अपने लिए बचा करके रखना चाहिए। अगर आप भी ज्वारे के संबंध में कोई और विशेष जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अभी तक नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माता रानी अपने भक्तों की तमाम परेशानी को दूर करती है।